जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक बार मालावासी की बात करते हैं, मालावासी नहीं, मालावासी नहीं, मालावासी नहीं। मेरी बात शुरू करो इससे पहले संचालनकर्ता को धन्यवाद, यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबने पिछले कई दिनों से मेहनत करी है, आप सबको बहुत बहुत आभार। मेहनत दिख रही है, फिर भी इस पालवी धरती में कार्यक्रम था, कटारा क्षेत्र में कार्यक्रम था, माथोगामरा पाल बस्सी पाल, अगर पूरी यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा लगता, ये पांडाल छोटा नजर आता। ऐसा मैं सोचता हूँ, कहीं न कहीं हमने कमी रही प्रचार प्रसार करने में। ये समाज का कार्यक्रम था, कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। आप सब भाइयों बहनों को आना चाहिए था। चलो दोबारा जब कार्यक्रम हो, आप सब इस बात का ध्यान रखें, बिन धार्मिक, बिन राजनीतिक, बिन बॉर्डरलेस की थीम पर ये आदिवासी परिवार काम कर रहा है आपके बीच में। आप सब इस बात को माने और इसी के तर्ज पे काम करें, ऐसा मैं सोचता हूँ। दो चार बातें ही कहूंगा, क्योंकि जिस भाई को सुनने के लिए आप आए हो, दिन रात वो भाई आपके बीच में दौड़ता रहता है। वो क्यों दौड़ रहा है, किसके लिए दौड़ रहा है? हम दिन रात आपके लिए बात करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मतलब ये समझे कि आप हमारे घर परिवार वालों को समय नहीं दे पाते। मैं किसी पंचायत का प्रतिनिधि हूं, उस पंचायत में मैं महीने में एक बार जाता हूं। आप सबके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप कम से कम इस बात को सोचें। दो चार बातें हैं मेरी तरफ से, मैं कहना चाहूंगा हमारे समाज में सबसे पहले तो हम लोगों ने, हमारे आदिवासी समुदाय ने पशुपालन से कमी काट ली है, थोड़ा सा दूर हो गए हम पशुपालन से। आज हम सवेरे की अगर चाय पीते हैं, वो दूध भी आपके डूंगरपुर सिटी से आता है आपके बीच में, और उसमें केमिकल मिला हुआ आता है। कहां ले डुप्लीकेट दूध के साथ में हम सवेरे की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, माता बहनें जितनी बैठी हैं, मेरे को ध्यान है, मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरी माँ जब शादी करके आई थी बलियोड़ा के अंदर, तो 150-200 पशु थे, ऐसे बात करते हैं। आज एक भी पशु नहीं है। ऐसा हालात आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है। हमें पशुपालन की ओर, हमारे समाज को लौटना होगा, उस ओर ले जाना होगा, दुधारू पशु पालने होंगे। दूसरी बात है, ये जो खेत खाली नजर आ रहे हैं, अभी फसल कटी है, एक गर्मी में भी सब्जियां होती थी, वो प्रभुलाल जी अभी बोल रहे थे कि एक बाड़ी में कम से कम थोड़ों पे पकवा मारा भाई हाँस पड़ जाए डूंगरपुर, वैसा तो हंडो लगिन खाई बना लू। तो हमें सब्जियां उगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जल की जरूरत पड़ेगी। 2016 से हमारे भाइयों ने एक ज्ञापन दिया, ज्ञापन दे करके आपके पीने योग्य पानी आपके बीच में ला करके रखा। जल जीवन मिशन के तहत 234 करोड़ की योजना, बार बार ज्ञापन देने के बाद में पीने योग्य पानी आपके बीच में आया है। हमारे गांव में भी लगभग पाइप लाइन बिछ चुकी है। तो एक बार मध्यप्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, ये उनकी मेहनत है। कांति भाई थोड़ी देर पहले कह के गए थे कि विधानसभा में ऐसे लोगों को भेजो जो आपकी आवाज बन करके बात करे। कई भाई वहां पर चाय नाश्ता करके वापिस आ जाते हैं और अपने हक अधिकारों की बात तक नहीं करते हैं। मेघवाल जी की बात करी थी, मेघवाल जी ने आपको नक्सलाइट कहा, किसी एक भाई को नहीं कहा था, पूरे समुदाय को नक्सलाइट किया था, दक्षिणी राजस्थान के भाइयों को नक्सलाइट कहा था। वहां एक ही आदमी ने विरोध किया, 17 विधायक आपको चुन करके जाते हैं, अनामेद मार हैरो भी ने बन गया। तो एवं जरूर पासे हम जी सके तो मैं मोहू कहूं। जल के बारे में हमें बोलना पड़ेगा, जल आरक्षण के बारे में बात करनी पड़ेगी। जनसंख्या के अनुपात में हमें जल दिया जाए पीने योग्य, पशुओं के लिए, खेती के लिए, ये सब आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और ये आवाज 2023 में ये चुनावी सत्र है, आजकल हम क्रियावरों में जाकर के बैठते हैं, कई भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं बीच में, भारत माता की जय बुलवाते हैं। वो क्रियावर में अभी क्या था, कल परसों सापली क्रियावर में क्या था, सरपंच साहब की डेथ हो गई थी। तो वह भारत माता की जय कर रहे हैं और हमारा समाज वहां सुन रहा है। ऐसा जो करने वाले भाई हैं, वो आइंदा आपके यहाँ या कहीं पर भी आकर के भारत माता की जय कराए, ये बारमे के अंदर बोलना कम से कम बंद करें, इनका कार्यक्रम हम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाज में भागीदारी, आपके बीच में बहुत सारे कर्मचारी बैठे हैं, आपके बीच में बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं, उनकी भागीदारी आपके समाज के प्रति क्या है, वो आपको आकलन करना है। क्या भागीदारी दे रहे हैं वो आपके बीच में कर्मचारी है, क्या वो अपने परिवार की ओर ध्यान दे रहा है? एक कर्मचारी अपने परिवार में अपने बेटे भाई के बेटे को या भाई की बेटी को लगा रहा है, वो उसकी मदद कर रहा है, ये आप लोग सोचें। चौथी बात, व्यापार, ये सबसे बड़ा
मूल मंत्र साबित हो सकता है हमारे आदिवासी समाज को आगे ले जाने में, लेकिन हम उस ओर जाना ही नहीं चाह रहे। एक कर्मचारी हमारा रिटायरमेंट होकर के हमारे गांव में आता है, 40 से 50 लाख रुपए लेकर के आता है। वो 40 से 50 लाख रुपया लेकर के आता है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी तो बाहर रहता है, तो हमारे भाई क्या सोचते हैं? हमारे भाइयों का ये सोचना होता है कि इसको सरपंच में खड़ा कर दो, पूरी जिंदगी तो तुम्हारे वैसे रहते नहीं। उस आदमी को कहो एक रोजगार लगाए, एक दुकान लगाए, अच्छी सी गांव के अंदर दुकान करे, वहां से आप सब भाई सामान खरीदो, ये सोच लेकर के हम आपके बीच में आए। सबसे मूल बात, जिस पालवी धरती में आपने कार्यक्रम रखा है, ये जो आगे मूर्तियां बैठी है, इनको हमने साफे पहना है, भवर जी बैठे हुए, कांति भाई बैठे हुए, मैं खड़ा हुआ, सागर भाई, हम सब ने इनको इनका सम्मान किया। ये सम्मान हमको लाना होगा, ये सम्मान वापस लौटाना होगा। जो गमतियों की ताकत थी, जो गमतियों का व्यवस्था थी, वो गमती व्यवस्था आप पालनी लोगों को वापस शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा समाज आगे आएगा। ये आपके बीच में कहना है हम। लास्ट बात, भाई भी कहेंगे, भाई तो शपथ दिलाएंगे बवरजी आपके बीच में, पर मैं कहना चाहता हूं, जब मैं यहां आया, भाई के साथ में हम लोग आए, तो कुछ परफ्यूम की इत्र या अंतर पुमल अंतर कहीं थोड़ी तुम समझी लो मेरे भाइयों, मैं उस लाइन में लेकर के आया हूं, इस समाज में 2016 में वापिस आया, उस लाइन को छोड़ करके आपके बीच में खड़ा हूं मैं। ये दारू आपके बीच में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाएगा, मात्र एंड मात्र बर्बादी का कारण है मेरे भाइयों। हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम इस चीज को आप लोग बंद कर दीजिए, जो अंग्रेजी शराब है वो बंद नहीं होना है, लेकिन हम पहल कर रहे हैं, आप सबकी ताकत रही तो आने वाले समय में उदयपुर संभाग में गुजरात की तरफ में हम लोग दारू बंद कराने के लिए आप सबके साथ जाना चाहते हैं। एक एक पंचायत से आवाज उठनी चाहिए, जिस पंचायत में दारू की दुकान है, जिस पंचायत में दारू की दुकान है, मैं उस लाइन में रहा हूं, मुझे पता है, उस पंचायत की ताकत है वो दारू की दुकान बंद कराने की। ये भाइया जितनी बैठी है, काकी बाबी, आप में ताकत है, अगर प्रशासन नहीं मानता है तो आप लोग वोटिंग करिए, 60% के ऊपर अगर आपकी वोटिंग होगी तो वो दारू की दुकान स्वतः ही बंद हो जाएगी। दूसरी बात, लास्ट एक मेरी बात है शिक्षा को लेकर के, कह देना चाहता हूं, आप यहां जितने बैठे हैं, हम हर जगह बात करते हैं, आज आपके बीच में करूंगा, आप यहां जितने बैठे हो भाई, जितनी बैठी है भाई, आपने अपने बच्चे की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं बता दो, आपने अपने बच्चा बेटा बेटी की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। आप वो कहां जा रहा है सवेरे उठ करके, वही ध्यान नहीं है आपको, वो क्या कर रहा है डूंगरपुर में जाकर के, कैसा रह रहा है, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो आप देख ही नहीं रहे, तो आप कैसे समाज की दिशा की ओर जा रहे हैं और किस समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, यह आप लोगों को सोचना है। कल से अभी तो परीक्षा चल रही है, नया सत्र शुरू होगा थोड़े दिनों में, आप अपने बेटे बेटों की ओर ध्यान दीजिए, स्कूलों में जाइए, स्कूल में अगर टीचर नहीं पढ़ाता है उसकी बात करिए, आपके बीच में आपका प्रतिनिधि पंचायत में एक सरपंच होता है, सरपंच से बात करिए, वार्ड पंच से बात करिए, प्रधान एमएलए एमपी से बात करिए, उनका अधिकार है आपके बीच में आपकी व्यवस्था बनाने का। मैं किसी पंचायत का प्रतिनिधि हूं, मुझसे उम्मीद एक ही प्रकार की करी जाती है, ये तो सरपंच एयरपोर्ट दियो या इंदिरा आवास दियो, हमारे समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा ऐसा उदाहरण है, भाई हमारे सरपंच साहब एक बैठे हुए, दूसरे भी साथी हैं, यहां 3.25 लाख का हमसे सामुदायिक शौचालय बनवाया जा रहा है। कितने का? 3.25 लाख का सामुदायिक शौचालय बनवाया जा रहा हूं, 1,48,000 के अंदर आपका भवन बनाया जा रहा है, क्या वो संभव है? 1,48,000 में तुम्हारा मकान बन जाएगा? हमको हवा तन लाख में तो झाजरी वाओ बना नहीं, टट्टी करवा हो, 1,48,000 में कमल सरकार तक भवन बना हो, मैं ऑनलाइन करी ना 6 लाख इनकम में फोटो कैसे आ सरपंच साहब बेटा आजाद जी मिलियावड़ गांव वाला, ये संभव नहीं है। इन सरकार की कई योजनाएं ऐसी है, इन योजना के तहत आपके बीच में आधे अधूरे काम आते हैं, आप उसका आकलन करें। चुनावी सत्र की एक लास्ट बात कह देता हूं, 17 विधायक अभी आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, शांति रखो भाई,
आने वाले समय में 17 विधायक चुन करके जाएंगे। यही 17 विधायक आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेंगे, आपके बेटे बेटियों का भविष्य तय करेंगे, आपके हर एक काम का भविष्य तय करेंगे। वो जो बजट आता है इनके नाम का, वो आपके पर व्यक्ति पर हेड के नाम से बजट पीएडीए के अंदर आता है। वो अलग से क्या काम कर रहे हैं आपके बीच में, वो आकलन आपको करना होगा। एक 84 का उदाहरण दे देता हूं। हम लोग चरू गणेश सर पे लेकर के, संचालन महोदय इधर उधर हो रहे हैं मुझे पता है, लेकिन एक लास्ट बात कह देता हूं। हम चलू गड़े लेकर के दास सलाकड़ी से पैदल पैदल निकले थे, तो कुछ लोगों ने हम पे परिहास किया, मतलब नाद काट दिया। नाद काटी ने कहता कि नेवों ने पानी के रख बुंजे सड़जी हो, वो कहता नेवों ने पानी करे बुंजे सड़जी हो, नव नव सड़क गाड़े था किए, अरे तो दिमाग उस खराब था किए। कहता भाई बेटा हमें पैदल पैदल नहीं जा पूरा, तो हम कार्यक्रम की तो खूब मोटो कार्यक्रम था। हम सब ने एक सोच रखी, एक नींव रखी, और आज 1150 करोड़ की पेयजल योजना उस 84 के क्षेत्र की जनता को मिलने वाली है। क्या वहां के आदमी ने काम किया कि नहीं किया, ये आप लोग सोचे। ऐसे व्यक्ति को आगे ले जाकर के आप तय करें, और ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजे आने वाले सत्र में। यही उम्मीद और आशा रखता हूं। एक बार फिर से माला कटाया की, माला कटाया की, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, जय जवान, जय आदिवासी, जय हिंदू।